उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि आने वाले समय में उत्तराखंड में सरकार बनने पर बिहार सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में जातीय जनगणना कराई जाएगी। वहीं इसी को लेकर प्रदेश में सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से बंटवारे की राजनीति की है। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा से धर्म और जाति के नाम पर राजनीति की है। सभी की जाति भारतीयता है और जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस को अपने राज्य में करनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस ने इस देश में बंटवारे की ही राजनीति की है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। उनका सिर्फ एक ही है, फूट डालो और राजनीति करो। तो इस प्रकार की जो बातें पहले अपने राज्यों में करें, कौन से देश को कौन सी दिशा देना चाहते हैं। हम जब हम कह रहे हैं पूरा वसुधैव कुटुंबकम और सभी की जाति सिर्फ एक है, भारतीयता, उसी भारतीयता पे, क्योंकि जो हमारी पुरातन जो संस्कृति है वो सिर्फ एक, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, तो हम तो उस विचारधारा पर चलते हैं। समस्त कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। और 2011-12 में जो हमने कास्ट सेंसस कराया था उसको अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। तो हमारी तीन प्रमुख मांगों में वो भी एक प्रमुख मांग है कि हमारे द्वारा जो जनगणना कराई गई 2014 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और वो ठंडे बस्ते में चली गई, उसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं। उसके अलावा 50% का जो आरक्षण है उसका कैप हटाया जाए